हैं मोंकी को दे देते हैं खीरा, क्योंकि खीरा उसको ज्यादा नहीं दे रहा है ना, वो बहुत ज्यादा नष्ट करने लग जा रहा है। लो थोड़ा थोड़ा खाओगे तो अच्छा सा रहेगा, क्योंकि इसको खीरा दे दिए थे ना, बहुत ज्यादा ही नष्ट कर दिया। फेंक देता है आधा से ज्यादा वो फेंक देता है, और थोड़ा बहुत ही खाता है, तो ज्यादा वो छिलका फेंक देता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा देंगे, जिससे वो ठीक से खा पाएगा और हमारा ज्यादा नष्ट भी नहीं होगा। और अपने जब मुर्गियों के लिए ना हम लोग ये वाला बना दिए हैं, जिसके वजह से दाना जो हम लोग नीचे देते थे ना नष्ट हो जाता था, तो इसके अंदर देंगे ना तो बचा बचा सा रहेगा। और अभी हमारा रेबिट भी इधर में आके खाए जा रहा है, और बच्चे भी इसका, और तो और मेरा जो चूजा जो कि चोट लग गया था इसको टांग में, देखते हैं अभी कैसा है। अभी इसका टांग ये वाला ना फूला फूला सा था, अभी धीरे धीरे ना ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी हमारा चूजा भी ठीक हो जाएगा। जैसा हमारे सभी चूजे दौड़ रहे हैं वैसे ये भी दौड़ने लगेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी अपने हम लोग मिनी जू में आ चुके हैं, और अभी देख रहे हैं कि हमारी मुर्गी जो है इसके अंदर बैठ गई है कबूतर के घर में जाके ना। कल मालूम है क्या हुआ, यहाँ पे उसने नीचे ही अंडा दे दिया, जिसके वजह से फूट गया, और वो मुझे लगता है ना बिल्कुल गीला गीला सा था, ऐसा अंडा तो नहीं होता है वो, मेरे ख्याल से अभी पूरा तैयार नहीं हुआ था, गीला गीला सा था, इस वजह से वो फूट गया और नीचे ही दे दिया। आज ऊपर में जाके बैठी हुई है, आज वो बढ़िया अंडा देगी, मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक रहेगा। और मेरी मुर्गियों की वजह से ना कबूतर ऊपर में जाके बैठ गया है, और हमारी जो कबूतरी है इसमें बैठी हुई है। आज चेक करते हैं कितना अंडा दी है, कि एक ही दी है कि दो। भाई मारती है, उठो उठो उठो, थोड़ा सा उठ के दिखा दो। दोनों अंडे दे चुकी है हमारी हमारी कबूतरी ने ना, दोनों अंडे दे चुकी है। और इसका जो बच्चा होगा ओसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को वो वाला कबूतर ना बहुत ही सुंदर सा लगता है। अभी देखिए क्या चिल्ला भी रहा है, क्या हो गया है, हाँ क्या हो गया है, तो ऊपर में जाके बैठा हुआ है। और अभी हम लोग दाना सभी को दे चुके हैं, जो कि ये लो अपना खातर है, और हमने जो लक्का कबूतर है उसको अभी चेक कर लेते हैं कैसा है। अभी हमने उसको दाना दे चुके हैं, अभी उसका जो चोट है जख्म है, ये आ जाओ थोड़ा दिखा दो अपना जख्म दिखा दो, अभी ठीक ठाक है। कई भाई मुझे कमेंट किए कि भाई आप लक्का कबूतर को थोड़ा ठीक ठाक से रखिए, तो भाई हमने पिंजरे में रख दिया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट किए कि मेरे लक्का कबूतर का, तो इसीलिए इसको साइड में रखें, और पहले से भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक सा भी हो गया है। जाओ जाओ, और हमारा लाल वाला कबूतर भी उसी में, इसके वजह से चाइना मुर्गी भी हमारी आ गई, इसका भी साथी लेकर हमें बहुत जल्दी आना है। और हमारा तो जो हमने बनाए थे ना खरगोश का मट्टी डाल के, अभी इसको पानी जो दिए थे अभी चेक करते हैं, अभी गीला गीला सा है, इस वजह से हमारा रेबिट ना इस पर घर नहीं बना पा रहा है, ये थोड़ा सूख जाएगा ना तब घर बना पाएगा। मेरे को ना मम्मी सुबह, यहाँ पे हम लोग भैंस बांधे थे ना, मम्मी ने बाहर निकाल दिया, तो मुझे बोली कि हाँ इधर कहीं मैं खरगोश बिल कर रहा है, इधर ये देखिए, मुझे लगता है इधर में कर रहा है, इतना बिल बना दिया। उसके लिए हमने मट्टी डाल के रेडी कर लिए हैं, पर उस पर नहीं जा पा रहा है, मेरे ख्याल से वो गीला नहीं, इस वजह से उस पर नहीं बना रहा है, इधर सूखा है इसलिए बना रहा है। ये देखिए कितना बिल भी कर दिया है, इसको हम लोग थोड़ा भर देते हैं मट्टी से। चलो चलो चलो, इसको भर देते हैं, और ये वाला ईट से तो मट्टी तो अभी और देना होगा, बाकी मट्टी इधर फैलाया है। हम लोग अभी इसको फिलहाल ऐसे ईट से बंद कर देते हैं, जिसके वजह से सभी चूजे इधर में आ रहे हैं। इन लोगों को लग रहा है मैं बंदा गोभी लेके आया, आज बंदा गोभी मैं लेकर नहीं आया, शाम को बाजार जाऊंगा ना तो लेके आऊंगा इनके लिए, और बंदा गोभी इन लोग को डाल दूंगा। और हमारी जो काली वाली मुर्गी है ना, आज फिर लगता है फिर एक बार चेक कर लेते हैं अंडा दी है कि नहीं, अगर दी होगी तो अच्छा बात है, और वैसे तो कुरुक भी नहीं हो रही है, इधर में अंडा कहीं नहीं है, और इधर में भी कहीं नहीं है, मतलब इसका मतलब वो अंडा दी नहीं है। अगर कुड़क भी हो जाती ना तो हम लोग उसको अंडे पे जो चार पांच अंडे दी है उसी पर ही बैठा देते हैं, तो वो अपना बैठकर उसमें से बच्चे निकाल लेती, पर अभी तो हमारी मुर्गी कुड़क भी नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। कुड़क होगी ना तो पंख बिल्कुल उठा लेती है जब भी हम लोग उसको पकड़ने जाएंगे, और हमारा सफेद वाला मुर्गा तो बांधा हुआ है ना, तुम्हें ले जाने वाला कौन आएगा इसको, भाई अगर कोई लेना चाहेगा ना मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दे दूंगा, क्योंकि इसके वजह से ना मेरे सभी परिंदे ना
बहुत ही परेशान सा रहता है, क्योंकि इसी के वजह से हमारा लक्का कबूतर भी जख्म हुआ है और वो लाल वाला कबूतर भी जख्मी सा हो गया है। तो मैं इसको जितना जल्दी होगा ना ग्राहक कोई मिलेगा तो मैं इसको हटा ही दूंगा। और हमारी हिरनी के पास चलते हैं थोड़ा, मोंकी हमारा तो इधर बिजी है। देखिए मैंने जैसा कहा था ना, खाता कम है नाश्ते ज़्यादा करता है, देख रहे हैं उतने में से इतना फेंक दिया है और थोड़ा ही सा खाया है और बाकी इसमें से ना गेहूँ निकाल निकाल खा रहे। बच्चे भी इसी के पास जा रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चे इसके पास जाते ना तो पकड़ के ना खींचने लगता है। इसी के वजह से ना एक तो डेड कर गया और एक जख्मी है, इसीलिए इसको हम लोग अभी बांध के रख रहे हैं। जब भी हम लोग जाते हैं बाहर तो इसको बाहर अपने साथ लेकर जाते हैं और हमारे मिनी जू में रहता है तो इसको बांध के रखते हैं कि हमारे सभी परिंदों को ना किसी को डिस्टर्ब ना करे। पहले हमारा जो हम लोग जिस किराए मकान पे रहते थे ना वैसा दरबा बनाए थे तो उसमें से ये लोग अंडर निकाल के ना लेकर जाके फोड़ दिया था। तो अभी सभी चूजे इधर में फ्री फ्री घूम रहे हैं। चलो अभी हमारा मुर्गा ना बार बार ऊपर की तरफ चला जा रहा है, नीचे से हाइट ऊपर है। भाई ने मुझे कमेंट किया, भाई आप अपने कबूतरों का ना घर हाइट पे रखें, तो मैं बता दूं भाई मेरा कबूतर का घर ना हाइट पे ही है, पर वो हमारे मुर्गे ना ऊपर चढ़ जा रहे। इसके ऊपर थाली है, देखते इसमें क्या है, इसमें क्या, ओ भाई इसके अंदर दाना है ना, इसके वजह से ना वो लोग ऊपर जा रहा है तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर। इसके वजह से वो जाके ना ऊपर बैठ जा रहा था और ऊपर ही उसको मिल जा रहा था दाना खाने के लिए। अभी हमारी मुर्गी भी नहीं निकली है, अंदर ही में बैठी हुई है, कब निकलोगी, अंडा दे देगी तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। जब भी हम लोग बाहर की तरफ आते हैं ना तो रेबिट के लिए घास ले ही जाते हैं, तो इधर में हरा हरा घास ना बहुत ज्यादा है जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद है। ये वाला घास ना उसको बहुत ज्यादा पसंद है, इसको बड़े प्यार से वो खाता है। तो अभी ले जा रहे हैं उसके लिए, अभी लेकर आ गए हम अपने मिनी जू में। हमारा रेबिट किधर में है, इधर में घूम रहा था, अभी इधर में भी नहीं है, अभी किधर में चला गया है हमारा रेबिट, ओ इधर में घूम रहा है। लो 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 लो, ऐ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये ले लो नहीं तो मुर्गियाँ के ना खाने लगेंगे। सभी चूजे भी दौड़ते हुए चले आए, ए भागो भागो भागो, तुम्हारे लिए नहीं है, भागो भागो। तो अभी हम लोग अपने रेबिट को दे दिए घास जो कि वो खाता रहे, उसको वो वाला घास ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी हमारी मुर्गी अंडा दी है कि नहीं, दे देगी, उसी के लिए बैठी है, जब दे देगी ना तो खुद ही निकल के आ जाएगी। अभी हो चुका है शाम और अभी आए हैं हमारी मुर्गी जो अंदर बैठी हुई थी, अंडा दी है कि नहीं देख लेते हैं। तो इसमें भी अंडा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, लगता है आज फिर नहीं अंडा दी है, किसी दरबा में नहीं है। और हमारी कबूतरी जो है ये तो अंडे पे बैठी हुई है, तो आज फिर मुर्गी ने ना हमारी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। और अभी हमारा खरगोश इतना ना घर के लिए रास्ता बना लिया है, लगता है दीवार मिल गया ना इस वजह से वो नहीं बनाया। और तो अभी देख लेते हैं किधर में है हमारा रेबिट, तो रेबिट कहीं दिख नहीं रहा है, इधर में है, इधर में भी नहीं है, रेबिट किधर चला गया, वो उधर में ही सोया हुआ है, बिल्कुल फैल के सोया हुआ है, हम लोग पूरा घूम रहे हैं। देखिए ये इधर में सोया है, क्या हुआ, मस्त है कड़कनाथ मुर्गा और रेबिट और सफेद वाला मुर्गा, इसको तो हम लोग बांध के ही रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों।